हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू और एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। इंडस के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग दिया गया है, तो वो सेटिंग क्या है एंड उस सेटिंग से यहाँ पर क्या होगा। तो इंडस के अंदर टोटली जितने भी सेटिंग्स यहाँ पर होने वाले हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कोई बकवास नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं इंडस का एक एम लॉक सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा और भी काफी सारे सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर बातचीत करने वाले, इंडस के अंदर जितने भी सेटिंग है यहाँ पर बात करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी चैनल में नए हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो यहाँ पर हम लॉबी पे आ चुके हैं एंड आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में जाऊंगा। तो ट्रेनिंग सेंटर में जाके आपको पूरी डिटेल यहाँ पर समझाने वाला हूँ इंडस के अंदर कौन सी सेटिंग आपको ऑन करना चाहिए एंड कौन सा सेटिंग नहीं ऑन करना चाहिए। और पहले से मैं जो बता रहा था, एक एम लॉक का सेटिंग यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऑन करना चाहिए। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर में आ चुके हैं एंड ट्रेनिंग का तो भाई लुक ही यहाँ पर पूरी तरह से चेंजिंग किया गया है नए अपडेट्स के अंदर। तो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं एंड यहाँ पर जाके हम गन्स वगैरह उठा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ गन्स पिकअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो गन्स पिकअप कर लिया एंड एक एक करके यहाँ पर मैं आपको हर एक सेटिंग के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चार सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर जो है एम असिस्ट लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते, ये जो एम असिस्ट है ये आपको एम करने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला है। तो इसको सेटिंग को आप यहाँ पर ऑन ही रखो। तो यहाँ पर एम पे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पिंग मिलने वाला है। तो ये जो सेटिंग है इसको आप ऑन रख सकते हो एंड आप गेम ओपन करके देखोगे सारे डिवाइस के अंदर ये ऑन ही है, ठीक है। अगर आपके फोन में ये ऑफ है तो आप इसको ऑन रखो, क्योंकि एम करने टाइप ये आपको हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो लूट लिखा हुआ है। तो ऑटो लूट का मतलब तो ये आपको पता है, अगर ऑटो लूट आप ऑन रखोगे तो जो कैरेक्टर है ये ऑटोमेटिक लूट करने लगेगा एंड अगर ऑफ रखोगे तो ये लूटना छोड़ देगा, मतलब लूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं ऑन ऑफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे गन्स के अंदर कुछ भी नहीं है अटैचमेंट। तो जैसे यहाँ पर ग्रेनाइट पिकअप किया, पर मैगजीन ग्रीप वगैरह सब कुछ ऑटो पिकअप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसी तरह जो है आप इसको ऑन रखोगे तो ये जो है ऑटो पिकअप करेगा एंड हम इसको ऑफ करोगे तो ये ऑटो पिकअप नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गन्स वगैरह मैगजीन मैंने सब कुछ गिरा दिया एंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी पिकअप नहीं करने वाला मेरा कैरेक्टर। तो जैसे ये है ऑटो पिकअप, तो इसको आप ऑन रखो तो ये कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। अगर ऑफ रखोगे तो ये ऑटो पिकअप नहीं करेगा। अपने हिसाब से आप इसको पिकअप कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ऑटो पिकअप का सेटिंग, आपने देख लिया। इसको ऑन ऑफ कैसे करना वो भी देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। सो सेटिंग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स मोर यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इस तरफ देख सकते हो टैप एंड होल्ड लिखा हुआ है। टैप एंड होल्ड इससे क्या होगा, ये जो सेटिंग है इससे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सेटिंग जो है मैं होल्ड पे रखता हूँ एंड होल्ड पे रख के यहाँ पर क्या होता है, होल्ड जो है दोस्तों स्कोप के ऊपर यहाँ पर काम करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप गेम देख सकते हो एंड मैंने देख सकते हो जो स्कोप है, स्कोप वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर मैंने पकड़ के रखा है, मतलब होल्ड करके रखा है। जब तक मैं यहाँ पर होल्ड करके रखूँगा स्कोप तब तक ओपन रहेगा। देख सकते हो होल्ड एंड टैप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप होल्ड पे रखोगे तो इसी तरह काम होगा, स्कोप जो है जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक ये जो है ओपन रहेगा, ठीक है। तो आप होल्ड भी रख सकते हो एंड टैप भी यहाँ पर रख सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल है वो आप रख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दूसरे सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है एट कैमरा रोटेशन, ये जो है इसको आप ऑन ही रखो, इसको ऑफ मत करो, ठीक है, इस सेटिंग को ऑन रख। सो सबसे पहले मैंने जो आपको सेटिंग मैंने बताया था, ये जो टोटली यहाँ पर चार सेटिंग आप देख रहे हो, तो इसको एक भी चीज़ को ऑफ मत करो एंड इसको ऑन रखो एंड जो टैप एंड होल्डिंग स्कोप ये आपकी मर्जी के हिसाब से रखो। सो अब बात कर लेते हैं जायरोस्कोप के बारे में। तो जायरोस्कोप में कौन सा सेटिंग ऑफ रखना चाहिए, कौन सा सेटिंग ऑन रखना चाहिए, ये मैं यहाँ पर डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टोटली यहाँ पर जायरो का सेटिंग आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, ये टोटली जायरो का सेटिंग है।
तो यहाँ पर देख सकते हो जायरोस्कोप लिखा है, तो जायरोस्कोप में कौन सी कंट्रोल आपको रखनी चाहिए कौन सी नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम ऑफ करते हैं अपना फ़ोन रोटेट करते लेफ्ट राइट, ठीक है, तो ये जायरो काम नहीं करता। एंड फिर से यहाँ पर हम सेटिंग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एड्स ओनली पर जैसे यहाँ पर हम सेट करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कैरेक्टर यहाँ पर खड़ा है तो जायरो काम नहीं करेगा, बट अगर आप स्कोप करोगे तो आपका जायरो यहाँ पर काम करने लगेगा, देख ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है एड्स ओनली पर जस्ट क्लिक करोगे स्कोप के काम करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऑलवेज ऑन, तो अगर ऑलवेज ऑन आप रखोगे तो आपका जायरो ऑलवेज जायरो सेटिंग ऑन ही रहेगा, जिससे आप इसमें जायरो में कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह कंट्रोल हो सकता है। एम एक्सेलरेशन यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, तो ये जो कंट्रोल है इसमें आपको एम करने में थोड़ा सा यहाँ पर हेल्पिंग मिलने वाला है, वो भी दोस्तों ऑलवेज जायरो ऑन रखोगे तभी। एंड नीचे यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है एम स्मूथिंग, तो ये जो एम स्मूथिंग है इसको भी आप ऑन रख सकते हो, जो आप जायरो जब खेल रहे हो ना तो स्मूथिंगली आपका एम रोटेट करने वाला है, आई मीन लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे, ठीक है, तो इसको आप ऑन ही रखो। एंड नीचे जो ये वाला सेटिंग आप देख रहे हो ना ये सब, तो इस सेटिंग को आप ऑफ ही रखो, ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल प्लेयर जायरो प्लेयर हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं क्या कहीं लेफ्ट से राइट लेते हैं, राइट से लेफ्ट रहते हैं, ऊपर से नीचे लेते हैं, तो इस तरह जायरो को कंट्रोल करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से कंट्रोल करता है लेफ्ट से राइट लेते, ठीक है, तो बट अगर आप नए प्लेयर हो और जायरो सीखना चाहते हो तो उसको सब ऑफ ही रखो, ठीक है, उसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो ट्रेनिंग सेंटर में जाके यहाँ पर ऑन करके देख सकते हो आपका जो जायरो है थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर लगने वाला है, जिसमें आपको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होने वाला है। चाहो तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके इसको एक बार ट्राई करना ऑफ ऑन करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप जायरो का सेटिंग समझ चुके हो, कौन सी सेटिंग ऑन करनी चाहिए एंड कौन सी सेटिंग ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एम लॉक के बारे में, तो यहाँ पर एम लॉक सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो हैक की तरह दोस्तों काम करता है, आई मीन बोल सकते हो हैकिंग एम लॉक। सो अभी जो सेटिंग के बारे में बताने वाला, तो कुछ इस सेटिंग के बारे में यहाँ पर बताने वाले, तो इस सारी सेटिंग से आपके क्या फायदा होगा। तो जैसे कि ये वाला सेटिंग आप देख सकते हो होल्ड एक्शन गन फायर मोड यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है इस तरफ देख सकते हो टैप यहाँ पर लिखा है, तो आप टैप भी रख सकते हो या फिर आप रिलीज के ऊपर भी रख सकते हो, तो इनमें से भाई दोनों ही फायदा होने वाला है। तो आप टैप पे भी रखो, जो टैप फायर करके आप निकल सकते हो गोली, या फिर आप रिलीज पे भी रख सकते हो जो ऑटोमेटिकली रिलीज होगा गोली। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे सेटिंग के बारे में। एंड नीचे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है ऑटो फायर, जो मेन सेटिंग है। जब से मैं स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था एम लॉक जो करता है ना, आप एनिमी के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फायरिंग करेगा, वो भी दोस्तों आपको फायरिंग बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये सेटिंग है ऑटो फायर, ये जो सेटिंग है ना हैक की तरह काम करता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑफ कर लेता हूँ एंड ऑफ करके यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो जैसे मैं एनिमी के ऊपर एम कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे मैं फायर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा ना तब भी यहाँ पर फायरिंग हो रहा है। बट ये जो सेटिंग है ये आप ऑन रखोगे ना तो आप एक हैकिंग की तरह यहाँ पर काम करेगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑन रखा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फायरिंग कर रहा है गन से। भाई आपको फायरिंग बटन दबाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो सेटिंग है ना, मैंने इससे गेम प्ले किया है भाई, काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी फायरिंग करने में हेल्प करता है। जैसे भाई बंदे बाइक लेके जा रहा है ना, तो बस आप एम उसके बॉडी के ऊपर रखो, ये ऑटोमेटिकली फायरिंग करेगा। एंड मैं इसको ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ऑफ किया एंड यहाँ पर एनिमी के ऊपर लेता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी फायरिंग नहीं करता। भाई ये जो सेटिंग है ना बढ़िया सेटिंग है, इसको ऑन किया आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फायरिंग कर रहा है। ये दोस्तों एक एम लॉक है, एनिमी के ऊपर एम लॉक करता है एंड ऑटो फायरिंग यहाँ पर करता है। इस सेटिंग को आप ज़रूर ट्राई करो, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो एम लॉक का कौन सी सेटिंग है, इसको ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं और एक सेटिंग के बारे में। एंड नीचे जो ये चारों सेटिंग देख रहे हो, इसमें आपको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, इस सारे सेटिंग को आपको ऑन ही रखना है।
ठीक है, इस सारी सेटिंग को आप ऑन रखो तो गेमर्स यहाँ पर सेटिंग का मैंने फुल डिटेल में यहाँ पर आपको समझा दिया है कौन सी सेटिंग आपको ऑन रखनी चाहिए एंड कौन सी सेटिंग आपको ऑफ रखनी चाहिए। तो अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में जो भी नए बंदे हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो चलिए बाय बाय।